सभी को नमस्ते। मैं तोंगके येन नामसाई डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश से हूँ। मैं 2011 पतंजलि युगपीठ हरिद्वार स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण के आश्रम में, जब स्वामी जी ने पूरा भारत में एक अनुका जागृत कर रहा था, काला धन ब्लैक मनी जो भारत का पैसा स्विस बैंक में थे, ऐसी इस आंदोलन को लेकर और योग आयुर्वेद को पूरा विश्व को जगाने का कार्य किया। इसी के बदौलत आज पूरा विश्व में योगा देवी हो रहा है। और मैंने इधर तीन साल इसमें योग आयुर्वेदिक संस्कृति परंपरा भारत का वेद शास्त्र ज्ञान को अनुभव पढ़ने का मौका मिला। इसी के आज का महामारी COVID-19 कोरोना वायरस को लेकर कुछ आपका सामने साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि पूरा सिस्टम ही रोग का जड़ ही इम्यूनिटी कमजोर होने से, आपका इम्यूनिटी, आपका हीमोग्लोबिन, आपका शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होने के कारण अलग अलग प्रकार से रोग, डायबिटीज, हार्ट अटैक, अलग पैरालाइज वगैरह होता है, सभी को मालूम है। इसी के आधार पर आज COVID-19 कोरोना वायरस का एक ये गिलोय, ये हमारे नोटिस में बहुत पाया जाता है। जंगल में, आंगन में लोग आज घर में लगा रहा है, फूल की तरह लगा के रखना है। ये है गो अमृता, अलग अलग भाषा में भी है ये गिलोय। ये है हल्दी, अदरक, टर्मरिक। ये अदरक है, ये टर्मरिक हल्दी है, ये टर्मरिक, ये अदरक और ये टर्मरिक और ये है गोल मिर्च। आप देख रहे हैं ये गोल मिर्च है। और ये है तुलसी, इसके बाद मुलेठी, दालचीनी, ऐसे आप बाकी अगर मुलेठी अगर ये बाई चांस आपको उपलब्ध ना हो आज का डेट में, बाद में आप मिक्स कर सकते हो, लेकिन ये पास गिलोय, हल्दी, अदरक, गोल मिर्च और ये इतना 10-20 तो, और ये इसके तुलसी का 10-20 तो पत्ता और इतना सा अदरक और इतना सा हल्दी और इतना सा डंडा एक गिलोय, इसको पीस कर कूट कर काढ़ा बना के रोज पिए। इसमें हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है, आपका सर्दी का सी जुकाम, आपका दर्द, शरीर का डाइजेशन सिस्टम, शरीर एक मजबूत हो जाता है। इससे क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए आप कश्मीर या पाकिस्तान को उदाहरण दे, अगर हमारा सेना कमजोर हो जाएगा आतंकवादी हावी हो जाता है, हमला हो जाता है। अगर हमारा आर्मी अगर मजबूत हो जाता है सेना, तो आतंकवादी को मार देते। इसी प्रकार से हमारा इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए ये सब दवा खाए, योग प्राणायाम करे, इससे हमारा कोरोना वायरस किया पूरा शरीर का रोग ही खत्म हो सकता है। इसके लिए आप योगा भी करना, इसको काढ़ा बना के सुबह शाम पीना है। ये बहुत ही अद्भुत दवा है, हमारा घर आंगन में ही पाया जाता है। और साथ में आप योगा भी करें, क्योंकि आध्यात्मिक शरीर बहुत जरूरी है। ऐसे रोज 3-10-5 मिनट योगा करें, इसमें हमारा शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, शरीर मजबूत होने के बहुत जरूरी है। लंग्स में कमजोर, इन्फेक्शन होने से भी सर्दी का जी जुकाम होता है। इसके बारे से कपालभाति रोज करे, इससे हमारा शरीर पूरा रीजनरेट हो जाता है। शरीर रीजनरेट हो जाए, शरीर पूरा शुद्ध और एक प्योर और प्रोडक्शन हो जाता, प्रोडक्ट हो जाता है, शरीर मजबूत हो जाता है। इसके आधार पर हम रोज, और इसमें जो हमारे माताएं बहने गर्भवती हो और मेजर ऑपरेशन हो ना करें, और 6 महीना के बाद ऑपरेशन वाला कर सकता है, और गर्भवती जो बच्चा है वो ना करे, बाकी हर कोई कर सकता है। इसके बारे से अनुलोम विलोम रोज 10-5 मिनट रोज, जहां क्वारंटाइन में है उधर ही करे, जो घर में आ गया है वो भी करे, और ये काढ़ा बना के पिए और मस्ती रहिए। और ऐसे
अच्छा रोज मस्ती से 24 घंटा में जे 24 आवर में सिर्फ 1 घंटा अपना शरीर बॉडी के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा चिंतन करें, इससे पूरा शरीर पूरा समाज बदल सकता है, इससे आप रोग मुक्त रह सकता है। इसके बाद हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए से। रोज हंसी और ताली बजाइए, इससे ताली बजाने से मुस्कुराने से पूरा शरीर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, दुख दुख और रोग से मुक्त रहता है। सभी को नमस्ते, प्रणाम।